हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर की बर्फी। गाजर का हलवा तो आपने बहुत बार बनाया भी होगा और खाया भी होगा। इस बार आप गाजर की बर्फी बनाइए। ये सर्व करने में भी बहुत इजी होती है और इसे आप कहीं पैक करके ले भी जा सकते हैं। बर्फी बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। बर्फी बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम गाजर, चीनी, मावा, इलायची पाउडर, ये थोड़े मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश, और चाहिए हमें दूध और देसी घी। बर्फी बनाने के लिए सबसे पहला काम हमें करना है कि गाजर को ग्रेट कर लेना है। इसको ग्रेट करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन जो टेस्ट हमें ग्रेट करके आता है वो हमें काट के नहीं मिलता है। गाजर हमारी ग्रेट हो गई है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। फिर हमने जो गाजर ग्रेट की थी वो हम इसमें डाल देंगे। जब हम गाजर को थोड़ा घी में भून लेते हैं तो जो हमारी बर्फी है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरीके से हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इससे इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत इन्हेंस हो जाएगा। अब हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। मैंने ये मेज़रिंग कप लिए हैं। आप घर में कोई भी कटोरी या कप सेट कर ले, उसी से हम सारा जैसे मावा और चीनी नाप कर डालेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि ये गाजर अच्छे से पक जाए। तब तक हम ऊपर से जो गार्निश करने के लिए रबड़ी बनानी है वो रेडी कर लेते हैं। हम एक पैन लेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और 1/4 कप दूध डालेंगे और 1/2 कप हम इसमें ग्रेट किया हुआ खोया डालेंगे। ग्रेट करके खोया डालेंगे तो हमारी रबड़ी जल्दी भी बन जाएगी और बहुत स्मूथ भी बनेगी। आप चाहें तो हाथ से क्रश करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे, हम इसे बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। अभी देखिए खोया और दूध अच्छे से मिक्स हो गया है आपस में और थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे और थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो इलायची भी डाल सकते हैं कूट के। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये 5 से 6 मिनट में ही रेडी हो जाएगी। अभी देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे साइड में रख देंगे, तब तक ये थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी और ज़्यादा गाढ़ी भी हो जाएगी। इसकी हम बर्फी के ऊपर एक लेयर लगाएंगे तो इससे बर्फी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और वो देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। अब देख लेते हैं हमारी गाजर भी पक गई होगी। देखिए गाजर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है अच्छे से और दूध भी इसका जो है वो रिड्यूस हो गया है। अब हम इसमें 1/4 कप शुगर डाल देंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इसमें हम कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल देंगे। मैंने काजू, किशमिश और बादाम लिया है। आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच ग्रेट किया हुआ खोया भी डाल देंगे। इससे इसका टेक्सचर और भी क्रीमी हो जाएगा क्योंकि दूध जो हमने डाला है वो तो इसमें रिड्यूस हो ही गया है, खोए से ये और ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। अब हम इसे हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट पकाएंगे तो उसका सारा मॉइस्चर सूख जाएगा और ये गाढ़ा सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा जिससे हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो जाएगी। अब हम एक ट्रे लेंगे, आप कोई घर की थाली या प्लेट भी ले सकते हैं। उसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे पहले हम, ताकि हमारी बर्फी जो बाद में हम सेट करके निकालेंगे वो इजीली डीमोल्ड हो जाए। इसमें हम गाजर का जो हमने मिक्सचर बनाया था पहले हम वो डाल देंगे और अच्छे से सेट कर देंगे। एक स्पैचुला की हेल्प से हम इसे अच्छे से ऊपर से प्लेन कर देंगे ताकि हमारी बर्फी की शेप अच्छे से आए और ये अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने जो रबड़ी रेडी की थी वो भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है। इसके ऊपर हम इस तरीके से स्पून की हेल्प से डाल के
अच्छे से हम हर तरफ फैला देंगे और हल्के हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मैंने पिस्ता, बादाम और काजू से इसे गार्निश किया है। और अब हम इसे 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद देखते हैं हमारी बर्फ़ी सेट हो गई क्या। हाँ जी, ये बिल्कुल सेट हो गई है। अब हम इसके पीसेस काट लेते हैं। इस तरीके से हम चाकू से इसके पीसेस काटेंगे। आप अपने हिसाब से बड़े या छोटे पीसेस काट सकते हैं। और एक टिप ये भी है कि अगर जब आप इसको काटेंगे चाकू से, तो चाकू एकदम क्लीन निकलना चाहिए। अगर चाकू साफ़ नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब बर्फ़ी हमारी सेट नहीं हुई, इसे हमें और रखना है। ये देखिए, बर्फ़ी हमारी एकदम सेट है और इसके हम इजीली इस तरीके से पीसेस भी निकाल सकते हैं। गाजर की बर्फ़ी हमारी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप भी ये गाजर की बर्फ़ी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बर्फ़ी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।